इंडो इस्लामिक कल्चर का आज मैं एक वीडियो लेके चल रहा हूं, जिसके अंदर इंडो इस्लामिक कल्चर के मैन मैन क्यूज हैं, जो कि एग्जाम पर्पज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। यानी आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक निचोड़ मैं निकाल के ला रहा हूं जो मेरे क्यूज के अंदर है। तो मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हम चलते हैं पहले क्यूज पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म, इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का के अंदर, और कुरैश कबीले के अंदर। उस समय पर मक्का के अंदर कुरैश कबीले का ही शासन था। इन्हें 610 ईस्वी के अंदर गौर ए हीरा यानी हीरा की गुफा के अंदर इन्हें ज्ञान मिला, और इनको ज्ञान दिया था हजरत जिब्राइल ने। 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चले गए। ऐसा हुआ, मक्का के अंदर इन्होंने अपना 613 ईस्वी में ज्ञान फैलाना शुरू किया, लेकिन वहां पर मूर्ति पूजन होता था, वो सहमत नहीं थे उनके ज्ञान से, यानी जो इस्लाम धर्म वो फैला रहे थे उससे सहमत नहीं थे। तो इसका बहुत विरोध मिला, और वहां से वो 622 ईस्वी में मदीना चले गए। इस 622 ईस्वी में मदीना जाने को ही हिजरी संवत कहा जाता है, यानी यहां से इस्लाम धर्म का एक संवत शुरू होता है जिसको बोलते हैं हिजरी संवत। 629 ईस्वी में इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ, और वो आगमन होता है मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया था, सिंध का राजा था उस टाइम पर दाहिर को मारा, और वहां से इस्लाम शुरू हो गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, गौरी के शासन में 12वीं सदी के अंदर मोहम्मद गौरी आया और इस्लाम फैलना शुरू हो गया। 12वीं ईस्वी से 14वीं ईस्वी तक इस्लाम का परिपूर्ण फैलाव शुरू हो गया, यानी कल्चर इंडो इस्लामिक कल्चर शुरू हो गई। मोहम्मद साहब ने 655 ईस्वी में अपने जुबान से जो शब्द बोले, कुरान के जो शब्द बोले, हम हदीस कहेंगे, वो चीज जो बोली कुरान से मोहम्मद साहब ने, उसको लिखने का रूप दिया। उस टाइम पर कागज नहीं होते थे, कोई पेपर नहीं होता था, कोई कंप्यूटर नहीं था, तो जो मोहम्मद साहब बोल रहे थे उसको जैद बिन साबित ने हड्डियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर लिखना शुरू किया, और उसकी एक प्रथम प्रतिलिपि हजरत अबू बकर को दी। सबसे पुरानी मस्जिद कूबा मस्जिद है, जो कि मदीना से 6 किलोमीटर दूरी पर है। सबसे बड़ी मस्जिद काबा मस्जिद, जिसको हम कहते हैं मस्जिद अल हराम, और इसके अंदर नॉर्मल समय पर 6 लाख हाजी पहुंचते हैं, लेकिन हज के टाइम पर, हज के महीने में, इसमें 40 लाख तक हाजी पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं हम 1687 ईस्वी के अंदर मुगलों ने क्या क्या निर्माण किया। तो उन्होंने निर्माण किया मक्का मस्जिद हैदराबाद, खैरताबाद, हयात बख्शी मस्जिद, गोलकुंडा मस्जिद, चार मीनार, चार कमान, तारामती, बारादरी और कुतुब शाही मकबरे। कुतुब शाही मकबरों में हम देखते हैं, कुछ मकबरे देखेंगे, यानी किस किस का मकबरा कहां कहां पर है। शान रूबन आलम यह हजरत शाह का मकबरा है, और ये मुल्तान में ये मकबरा है,
जो कि मुल्तान पाकिस्तान में 601 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का दरवाजा बनवाया। उसके बाद सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाया, यानी अपना मरने से पहले ही मकबरा तैयार कर दिया था सिकंदरा के अंदर। सिकंदरा जो कि आगरे से तकरीबन 14 किलोमीटर दूरी पर मथुरा रोड पर स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी 1206 ईस्वी के अंदर। उसके बाद अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनवाया। सॉरी, शाहजहां ने जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद आगरा 1556 ईस्वी में, नगीना मस्जिद आगरा, ताजमहल 1628 से लेकर 1658 में तैयार हुआ ताजमहल को बनवाया। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया। इसमें 30 साल लगे बनने में। उसके बाद इमामों का दौर शुरू, ये नवाबों का दौर शुरू हुआ। अवध के नवाब ने 12 इमाम बाड़ा लखनऊ के अंदर 1784 में बनवाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अपोजिट साइड में बना हुआ। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली लोदी गार्डन में। आदम खां का मकबरा 1562 में मेहरौली में बनवाया। ये अकबर ने बनवाया था, ये अकबर के एक सिपहसालार थे, यानी एक सेनापति थे। जहांगीर का मकबरा अली हिजबेरी स्ट्रीट लाहौर के अंदर। मैंने इसमें कोई छोड़ा नहीं है, जो भी है मेन मेन चीज उठा के रख दी है जो आपको काम आएगी। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती का मकबरा 1190 के अंदर इल्तुतमिश ने बनवाया। 1469 में निजाम ने इसका दरवाजा बनवाया और उसके बाद जो मकबरा था उसको पक्का किया 1509 ईस्वी में गयासुद्दीन खिलजी ने। बलवंत का मकबरा दिल्ली में है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। अभी देखते हैं डिवाइन बुक्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की डिवाइन बुक कौन कौन सी है? इस्लाम की चार डिवाइन बुक हैं, चार धार्मिक किताबें हैं। पहला है तौरात, जो हजरत मूसा पर आधारित है, यानी हजरत मूसा पर रिवील की हुई है। जबूर हजरत दाऊद पर रिवील की हुई है। इंजील हजरत ईसा पर रिवील की हुई है। कुरान हजरत मोहम्मद साहब पर है। ये एक आसमानी किताबें हैं, इन सब का निचोड़ कुरान में दिया हुआ है। फेथ इन गॉड मैसेंजर, फेथ इन गॉड मैसेंजर के अंदर, यानी जो खुदा के मैसेंजर्स हैं, जो पैगाम देने वाले हैं, उनके ऊपर फेथ करना, ये दिया हुआ है। इसमें एक क्वायद में इसके अंदर टोटल जो अभी तक अप्रोक्स मैसेंजर्स हुए वो 1,24,000 मैसेंजर्स लगभग हुए थे। इससे ज्यादा हो सकते हैं वो इनके अल्लाह ताला बताओ। इसमें जो मैन है कौन कौन से होते हैं? नबी, रसूल, पैगंबर और इमाम। नबी ये आम जनता को आकर्षित करते हैं कि अल्लाह की तरफ कैसे जाना है। जो रसूल हैं वो बताते हैं कि क्या क्या रसूल होने चाहिए,
अल्लाह तरफ जाने के लिए। पैगंबर ये पैगाम देते हैं, अल्लाह का पैगाम देते हैं। इमाम एक रहनुमाई करते हैं। देखते हैं हम इबादत। इबादत के पांच स्तंभ हैं, तौहीद यानी कलमा, कलमा पढ़ना, जैसा कि आप कलमा के अंदर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको हम कहते हैं तौहीद। नेक्स्ट है नमाज। नमाज ये जब मोहम्मद साहब ऊपर अल्लाह से मिलने गए थे तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि 50 बार की नमाज एक दिन पढ़ी जाएगी, 50 बार की नमाज एक दिन में पढ़ी जाए संभव नहीं है, तो इसको कम करके 5 बार की नमाज कर दी गई। और 5 बार की नमाज कौन सी होती है उसको हम आगे देखेंगे। ये 5 बार की नमाज पढ़ते हैं यानी 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद है जकात। जकात यानी जिसकी जो आमदनी है उसका तकरीबन जितना हो सकता है उतना दान करें। ये किसी पर कोई कंपलसरी नहीं है, किसी पर दबाव नहीं है, लेकिन अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। रोजा, रोजा रखना चाहिए। साल में एक बार जब रमजान का महीना आता है तो 30 दिन का रोजा रखा जाता है। जिसके रोजे के अलग अलग नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है हज। जिसके पास पैसा है उसको एक बार जिंदगी में हज करने जाना चाहिए। मैं कहता हूं यदि आप हज नहीं जाते तो अपने माता पिता की सेवा करें, वह हज के समान है। नेक्स्ट देखते हैं हम नमाज या सलात किन तरह की होती है। फज्र, जोहर, असर, मगरिब और ईशा। फज्र ये नमाज ऐसी होती है जो कि दिन निकलने से पहले यानी सूर्य निकलने से पहले जो पड़ी जाती है उसको फज्र की नमाज कहते हैं। जोहर की नमाज ये दिन निकलने के बाद जब दोपहर हो जाता है, जब सूर्य सिर पर से उतरना शुरू होता है तो जो नमाज पड़ी जाती है उसको जोहर की नमाज कहते हैं। असर की नमाज जब सूर्य छिपने से पहले नमाज पड़ी जाती है तकरीबन 5 बजे करीब, उसको हम असर की नमाज कहते हैं। सूर्य छिपने के बाद जो नमाज पड़ी जाती है उसको मगरिब की नमाज कहते हैं। ईशा जो रात को पड़ी जाती है उसको ईशा नमाज कहते हैं। फेथ इन एंजल्स, आपको अकाइद में दिया हुआ है कि फेथ इन एंजल्स यानी जो खुदा के फरिश्ते हैं उन पर यकीन करना है, उन पर विश्वास करना है। तो कौन कौन से वो थे, उन पर विश्वास करना है। उन जो गॉड्स है उसने उनको कुछ ड्यूटी दे रखी है, उनको देखना है, उन पर विश्वास करना है, उन पर फेथ होना चाहिए। तो पहले कौन है, हजरत जब्राइल, ये हेड ऑफ द एंजल्स है। दूसरा माइकल, हजरत माइकल, ये भोजन और वर्षा का डिपार्टमेंट इनके ऊपर है। हजरत इस्राफिल, ये कयामत के समय पर सूर फूंकते हैं, और कितने बार सूर फूंकते हैं, 2 बार सूर फूंकते हैं, ये ध्यान में रखने वाली चीज है। हजरत इजराइल, ये जब अंत समय पर रूह को निकाल कर ले आते हैं। हजरत इजमान, इनके पास में जो जन्नत है उसका चार्ज है, यानी स्वर्ग के रक्षक हैं ये। हजरत मलिक, ये जहन्नुम के रक्षक हैं, जहन्नुम का इनके पास में ये गार्ड है जहन्नुम के, तो यानी नर्क का इनके पास में डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है हजरत किरामन और हजरत कातिबिन, ये मानव के दोनों कंधे बैठे होते हैं, राइट साइड में हजरत किरामन और लेफ्ट साइड में हजरत कातिबिन।
हजरत क्रामेन अच्छे काम को देखते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और हजरत कातिबिन ये जो बुराई बुरे काम है उनका रिकॉर्ड रखते हैं। मदीना के अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद ए नबी। यहां पर मक्का की मस्जिद की यात्रा करने के बाद में, मक्का की मस्जिद के दर्शन करने के बाद मदीना पहुंचते हैं। वहां पर मस्जिद है मस्जिद ए नबी, वहां पर जाते हैं और वहां एक काला पत्थर है उसको चूमते हैं और उसको हम कहते हैं हजीरे अश्वाद। मोहम्मद साहब जब पैदा हुए थे उससे पहले मक्का के अंदर मूर्ति पूजा करने का सिस्टम था, यानी मूर्ति पूजा करते थे, और उस टाइम पर कितनी मूर्ति होती थी, 360 मूर्तियां होती थी, और जो सबसे बड़ी मूर्ति होती थी, सबसे लार्जेस्ट मूर्ति थी, उसका नाम था हुबल। हजरत खदीजा कौन है? हजरत खदीजा ये मोहम्मद साहब की पहली बेगम है। ये एक बिजनेस वुमेन थी, ये बिजनेस करती थी। इनकी एज जिस टाइम 40 साल की थी और मोहम्मद साहब की उम्र 25 साल की थी, इन्होंने ये मोहम्मद साहब इनके उस बिजनेस में काम करते थे। एक ईमानदारी की वजह से हजरत खदीजा ने इनसे शादी कर ली। तब उनकी इनकी उम्र 25 वर्ष की थी, यानी ये पहली शादी थी हजरत खदीजा साहब। अब्दुल्ला ये मोहम्मद साहब के फादर थे। अमीना ये मोहम्मद साहब की मदर थी। अंकल इनका नाम था अबू तालिब। इनके पैदा होने से पहले इनके अब्बू जान खत्म हो चुके थे और 6 साल के बाद में इनकी माता भी खत्म हो गई। इसका पूरा चार्ज इनकी देखभाल इनके अबू तालिब ने की, इनके चाचा ने की। इनका नाम था अबू तालिब। फातिमा इनकी बेटी थी मोहम्मद साहब की, फातिमा, जिसकी शादी इनके अंकल के बेटे यानी कजिन के साथ में, जिनका नाम था अली, उसके साथ में हुई। जब ये छोटे थे 5 साल के थे, इनका जो हार्ट था और चेस्ट का शुद्धिकरण कर दिया गया। हजरत जिब्राइल ने पूरा इसको खोला, हार्ट को और चेस्ट को, उसको जमजम के पानी से साफ किया और फिर जोड़ दिया, यानी कि इनके शरीर को एक बिल्कुल साफ कर दिया गया, उसमें कोई ऐब नहीं रह गया। पहली व्यापार यात्रा इन्होंने अपने अंकल के साथ यानी अबू तालिब के साथ में सीरिया की थी जब ये 12 साल के थे। ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, यानी जब ये 12 साल के थे तो इन्होंने पहली एक बिजनेस यात्रा यानी व्यापारिक यात्रा की थी सीरिया के लिए। लेकिन जब ये जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें एक मॉन्क मिला, इनके अबू तालिब को, उसने देखा कि जब ये निकल रहे थे तो इनके सूर्य इनके ऊपर से हट जाता था, यानी उनके ऊपर छाया आ जाती थी, यानी पेड़ इनके ऊपर आ जाते थे, और कभी कभी घटा इनके ऊपर आती थी, यानी धूप नहीं लगने देते थे। तो उस मॉन्क ने बोला कि ये व्यक्ति अभी आगे चलकर एक पैगंबर बनेगा, इसको तुम वापस ले जाओ, आगे आप आगे जाएंगे तो यहूदियों का एक जुट है जो इसको मार देगा, उससे बचाकर आप इसको वापस ले जाओ। ईस्वी में ये नबी बन गए। तो आगे देखते हैं हम मदीना का दूसरा नाम क्या है, यथ्रिब। और वहां पर मस्जिद बताया था मैंने, मस्जिद कौन सी है, मस्जिद अल नबी। सब्बे मिराज क्या है, 619 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब सोए हुए थे,
तो एक फरिश्ते आए, इनको उठाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि आराम कर रहे हैं, जब आराम उठ जाए तो इनको ले जाएंगे। इनको ले गए उठने के बाद, और ले जाने के बाद जेरूसलम ले गए जो कि फिलीपींस में है। यहां ले जाने के बाद इनको ऊपर ले गए, यानी सात आसमान तक ले गए, सातवें आसमान तक, एक एक आसमान को क्रॉस करते हुए ऊपर ले जा रहे थे, और जहां भी देखते थे वहां पर नमाज़ें अदा की जा रही थी। सातवें आसमान से ऊपर ले जाकर वो बोले कि अभी तुम ऊपर जाओ, अभी हमारा यहां पर स्टॉप लगता है, यानी हम ऊपर नहीं जा सकते। तो वहां जाने के बाद में अल्लाह ने इनको कुछ बातें की, समझाया, कुछ धर्म के बारे में बताया। तो उस रात को जब रात में गए थे, तो उस रात को हम क्या कहते हैं, सब्बे मिराज कहते हैं, और वो कब थी, 619 ईस्वी में। उसके बाद पहली अजान दी गई थी 623 ईस्वी में यरूशलेम में, और वो अजान मक्का की तरफ मुंह करके दी गई थी। आगे चलते हैं हम, बदर, जंगे बदर यानी बदर का युद्ध। बदर का युद्ध हुआ था 624 ईस्वी में। यह युद्ध कुरैश और मुस्लिमों के बीच में हुआ था। कुरैशी जो थे मक्का के थे, और वहां से 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना आ चुके थे। जो इनके साथ मुस्लिम आए थे वो मदीना आए थे, उनके बीच में और कुरैशी के बीच में लड़ाई हुई थी 624 ईस्वी में। जो कुरैश थे उनको आंसर कहते हैं, और जो आए थे मुस्लिम आए थे वहां से उनको हम कहते हैं मुहाजरीन। इसके अंदर एक वहां का सिपहसालार था अबू जहल। अबू जहल की इसमें मृत्यु हो गई थी, यानी 13 मार्च 624 एडी को उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें जो मुस्लिम थे वो जीत गए थे, यानी मोहम्मद साहब की सेना इसमें विजय प्राप्त कर गई थी। नेक्स्ट है ओहाद का युद्ध, यानी जंगे ओहाद। इस लड़ाई के अंदर, यह लड़ाई 21 मार्च 625 एडी में शुरू हुई थी, और एक पहाड़ी के ऊपर हुई थी, उसको बोलते हैं हम ओहाद की पहाड़ी। वहां से शुरू हुआ था। इस पहाड़ी के अंदर सैम यानी वही कुरैश और मुस्लिम के बीच में युद्ध हुआ था। उस टाइम पर सिपहसालार थे कुरैश की तरफ से, वो थे सुफियान। यहां पर भी कुरैश जीत रहा था, लेकिन मोहम्मद साहब की सेना का जोश ऐसा था कि कुरैश जो थे हार गए। जब ऊपर जाकर हार रहा हुआ देखा, तो पहाड़ी पर चढ़कर किसी ने तीर मारा। तीर मारने पर मोहम्मद साहब के दांत में लगा और दांत सही हो गया। इसके साथ में इनका एक हजरत हमजा था, वो भी साथ में शहीद हो गया। वहां पर इस लड़ाई में हजरत आयशा एक नर्स के रूप में इनकी मदद कर रही थी, उससे इनकी शादी हुई। यानी इसी युद्ध के अंदर मोहम्मद साहब की शादी हुई, किसके साथ, हजरत आयशा के साथ। नेक्स्ट है जंगे खंदक। 627 ईस्वी के अंदर कुरैश वर्सेज मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये लड़ाई हुई। इस लड़ाई में भी मोहम्मद साहब की सेना की विजय हुई। आखिर इनका दोनों का एक ट्रीटी हुआ, एक मतलब क्या हुआ, समझौता हुआ, और वो समझौता कहां हुआ, हुदैबिया में 628 एडी के अंदर। 628 ईस्वी के अंदर इनका आपस में सुलह हुआ, यानी कुरैश और मुस्लिम का आपस में सुलह हुआ। इनकी भाषा थी क्या, अरबी। और उस सुलह के अंदर ये रखा गया कि कोई भी काफिरों की मदद नहीं करेगा, दोनों पक्ष के लिए कि कोई भी काफिरों की मदद नहीं करेगा। कुरैश मदीना नहीं जाएंगे और मदीने वाले मक्का नहीं आएंगे। यदि मक्का वाले मदीना जाते हैं तो
तो उनको वापस बुला लिया जाएगा। यदि मदीना वाले मक्का जाते हैं तो उनको वापस नहीं बुलाया जाएगा, यानी यदि मक्का वाले मदीना जाते हैं तो उनको वापस बुला लिया जाएगा। ऐसी शर्तें रखी गई, यानी ये शर्तें तलवार अंदर करने के बाद में यानी म्यान में रख के ये शर्तें की गई थी। नेक्स्ट, खैबर का युद्ध यानी जंगे खैबर। इस युद्ध का ये युद्ध यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में हुआ था, यानी पैगंबर साहब की सेना और यहूदियों के बीच में हुआ था और इसमें पैगंबर साहब की जीत हुई। नेक्स्ट है मुत्ता का युद्ध, जंगे मुत्ता। ये 629 ईस्वी में हुआ था। ये जॉर्डन के अंदर एक क्रिश्चियन शासक था सुरबिल, उसके साथ युद्ध हुआ था मुस्लिम्स का। इसके अंदर जो सुरबिल थे इनको बोलते थे बाइजेंटाइन्स एम्पायर, और जो मुस्लिम थे उनको बोलते बिली जनरेट। इनके बीच हुआ था और मुस्लिम की इसमें विजय हुई थी। नेक्स्ट है मक्का फतह। प्रचार इतना बढ़ चुका था, मोहम्मद साहब का प्रचार इतना बढ़ चुका था कि मक्का में वो आए लौट के। मक्का में आने के बाद में जो उनका शासक था अबू सुफियान, वहां पर बिना लड़े ही मोहम्मद साहब ने विजय प्राप्त कर ली, यानी सब मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे। यानी ये ऐसी फतह थी जिसमें कि तलवार निकालने की या खून बहाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब मक्का आए और उन्होंने हज किया, और उस हज को हम बोलते हैं हजतुल वेदा। ईस्वी में मोहम्मद साहब ने दुनिया छोड़ दी और कुरान इस्लाम धर्म को लेकर चले गए, जिसको इस्लाम धर्म फॉलो करता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ऐसे ही वीडियो में और बनाऊंगा, चाहे अगले वीडियो में मैं ये इंडो इस्लामिक कल्चर को खत्म कर दूंगा, यानी अगले वीडियो के ऐसे क्वेश्चंस में मैं इस्लामिक इंडो कल्चर को फिनिश कर दूंगा। इससे एक्सेप्शनल है वंश प्रथा, जो वंश थे यानी गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं वीडियो बनाता रहूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगले वीडियो तक देखने तक मुझे मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।